अभी हम लोग बोधगया में प्रवेश कर रहे हैं। यह बोधगया का प्रवेश द्वार है जिसे संबोधि द्वार के नाम जाना जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए पूरा परिसर जो है संबोधि के क्षेत्र से जाना जाता है। दोस्तों, हेरिटेज सोसाइटी आज 14 जनवरी 2018 को बोधगया हेरिटेज टूर के लिए आई हुई है। अब उसमें हम लोग आए हुए हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो बोधगया में है, जो आर्कियोलॉजी, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरा वर्ल्ड जानता है जिसके बारे में, महाबोधि टेम्पल है, उसके चारों तरफ रेलिंग था, उस रेलिंग को यहाँ रखा गया है। रेलिंग जो हमारा सैंडस्टोन में बना हुआ है और ग्रेनाइट में बना हुआ है, उसी रेलिंग के ऊपर भारत का सबसे पुराना सूर्य मूर्ति का अंकन है जो आपको इसी म्यूजियम के अंदर दिखेगा। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं के अनंत मूर्तियाँ जो पाल काल से संबंधित है, 8वीं से 12वीं सदी की मूर्ति है, और बौद्ध धर्म के भी अनंत मूर्तियाँ इस म्यूजियम में देखी जा सकती है। तो आप आएँ, जरूर इस संग्रहालय को देखें। आप सभी लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध को इसी जगह पर सुजाता नाम की एक महिला ने खीर खिलाई थी, और उसके बाद तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी, तो इसीलिए यह बुद्धिज्म में इस घटना को हमेशा याद रखने के लिए एक स्तूप का निर्माण कराया गया। स्तूप का निर्माण गुप्त साल से पाल काल के बीच में कई चरणों में कराया गया है। इसकी पुष्टि होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उत्खनन कराया गया, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस कराया गया, जो कि दो चरण में, एक 1973 से 74 में और दूसरा 2001 से 2006 के बीच में। और यहीं पर वह सील मिला है जिसमें देवपाल का सुजातागढ़ के बारे में बताया गया है। सर्कम्युलेटरी पाथ दिख रहा है यहाँ पर, एक लोअर वाला, एक अपर वाला, और इसके ऊपर पूरा स्तूप दिख रहा है जो तीन फेज में है। फर्स्ट फेज यह दिख रहा है, एक सेकंड फेज ये दिख रहा है, एक थर्ड फेज ये दिख रहा है। सब दिख रहे हैं कि पूरा हम लोग घूम सकते हैं स्तूप के चारों तरफ, और इतना लंबा आयकाज बनाया गया है, देख रहे हैं ना। आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको प्रोजेक्शन दे दिया गया है, देख रहे हैं ना, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा निकला हुआ एरिया है। आपको प्रदक्षिणा पथ में भी दिखेगा, नीचे में भी दिख रहा है, यही आप आयकाज देख रहे हैं, यही प्रोजेक्शन, एक और प्रोजेक्शन आपका ही दिख रहा है यहाँ पर। हाँ। मतलब चार डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन है, चारों में आप देख सकते हैं काफी अच्छे से, और ये कंजर्वेशन किया हुआ पार्ट लग रहा है। हाल ही में लगता है ये साइड इसको कंजर्वेशन का काम किया है, इसीलिए इतना सुंदर दिख रहा है। उधर वाला थोड़ा सा एक्सकवेशन के कारण, एक्सकवेशन में बहुत अच्छा नहीं निकला होगा इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब यह कंजर्वेशन का, अब दो भाग स्पष्ट देख सकते हैं दोनों के ईंटों का रंग, लेकिन कंजर्वेशन में सबसे बड़ी बात है कि यह कोशिश की जाती है कि जिस साइज का हमारा ब्रिक है वही साइज का ब्रिक इस्तेमाल करें, उसको बकायदा बनवाया जाता है, और जो जो मोर्टार उसमें यूज किया हुआ है, जैसे लाइम प्लास्टर है, ब्रिक डस्ट वगैरह सुर्खी वगैरह इसमें है, तो यह जगह काफी इम्पोर्टेंट है इस पूरे बुद्धिज्म के लिए। और आप देख रहे थे इधर भी आयकाज निकले हुए हैं। तो बेसिकली दोनों का मकसद एक ही है, कन्वे करना, या आर्किटेक्चर का अलग अलग फीचर्स है। वहाँ आपको पिलर के फॉर्म में एंट्रेंस मिलेगा, यहाँ प्रोजेक्शंस के फॉर्म में आपको प्लेटफॉर्म निकाल के आगे में दिखाया जा रहा है। और इसका चारों तरफ यही प्रदक्षिणा पथ है, आप देख रहे हैं नीचे में, एक नीचे में भी है, एक ऊपर में भी है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो यह एक मेधी का काम कर रहा है। एक मेधी भी आर्किटेक्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मेधी एक एक प्लेटफॉर्म टाइप का तुम फील कराओ। जैसे सांची का स्तूप वगैरह देखोगे तो सांची का स्तूप में स्टार्टिंग में एक प्लेटफॉर्म नीचे बनाया गया है, और उसके ऊपर सर्कुलर जो है
डोम बेस सपोर्ट के लिए। वंशराज है, हम छपरा बिहार से बिलोंग करते हैं और अभी एनआईटी पटना के जरिए, एनआईटी पटना में हम पढ़ते हैं, उसी के जरिए हमको साइट से पता चला सर के बारे में, अनंत सर के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए हम लोग यहाँ पे सब देखने आए हुए हैं कि मतलब कैसे पहले के ज़माने में बनाया जाता था, कितना अच्छे तरह से डिजाइन किया जाता था, कितना स्पेस दिया जाता था सब लोगों के घूमने के लिए। और यहाँ के सुजाता गृह के बारे में अभी हम लोग नहीं जानते थे, जो आज यहाँ पे पता चल रहा है, आके पता नहीं था इसके बारे में। अभी आप ही के माध्यम से आपने बताया अभी हम लोगों के रास्ते में आते समय कि सुजातागढ़ भी यहाँ पे बोधगया में है। बोधगया मैक्सिमम लोग जानते हैं मंदिर की वजह से, बौद्ध मंदिर की वजह से जानते हैं, बोधगया मंदिर की वजह से जानते हैं, लेकिन ये अच्छी जगह है। और यहाँ के बारे में जो बताया गया, जो बताया जा रहा है, वो भी इंटरेस्टिंग है, लोगों को जानना चाहिए कि अपने प्रवास के दौरान यहाँ पर किन किन चीज़ों का भगवान बुद्ध ने कहाँ कहाँ गए, किस किस तरीके से यहाँ पर घूमा उन्होंने, और क्या क्या उनके साथ घटनाएं हुई, ये सारी चीज़ें भी जानने लायक हैं, लोगों को जानना चाहिए। चूँकि ये बोधगया जो है चर्चित है, और सिर्फ अपने देश में ही नहीं, पूरे कई प्लास्टर कितना बढ़िया प्लास्टर किया हुआ है। ये प्लास्टर कौन से चीज़ से किए गए हैं? यह प्लास्टर लाइम है और सुर्खी है। सुर्खी कहते हैं ब्रिक डस्ट को, ब्रिक डस्ट और लाइम को दोनों को मिला के इसको तैयार किया जाता है। तो पहले अधिकतर वो किला वगैरह जो बनता था, बिल्कुल क्योंकि सीमेंट का प्रयोग तो इधर 100-150 साल से हो रहा है ना। पहले इसी को आधार बना के हमारा जो एक एक बाइंडर है और एक 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 बाइंडिंग मटेरियल, मिक्सिंग मटेरियल है। बाइंडर लाइम जो है बाइंडर का काम करेगा, और उसको मिक्स करने का एक मिक्सर है, ब्रिक डस्ट हो उसका, हाँ ब्रिक डस्ट पत्थर सब कुछ रहता है उसमें। एक इधर आए का देख सकते हैं, बहुत नज़दीक आ गए महाबोधि मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है, शानदार, पूरा बोधिमय वातावरण लग रहा है चारों तरफ। महात्मा बुद्ध के मूर्ति देख सकते हैं, गौतम बुद्ध अंदर में गर्भगृह में, कितना सुंदर वातावरण है, कितना सुंदर सजावट है, शानदार, बहुत बढ़िया। बुद्ध भगवान की मूर्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो महाबोधि मंदिर के अंदर में। बोधगया हेरिटेज टूर में देख रहे हैं कितना जनसैलाब उपड़ा हुआ है, इसे कहते हैं बोधगया की विरासत यात्रा। पूरा बोधिमय हो गया है वातावरण, देख रहे हैं भीड़, अपार जनसंख्या। मैं मुन्ना कुमार बिहार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है जैसे हम किसी अदर कंट्री में आ गए, हमको नहीं लग रहा कि मैं बिहार में हूँ, हमको लग रहा है श्रीलंका में आ गए, चीन में चले गए, यहाँ पे हमको इतना अच्छा फीलिंग महसूस हो रहा है। पूरा बुद्धिस्ट वातावरण चारों तरफ नजर आ रहा है, अलग से माहौल ही लग रहा है। यहाँ पे इंडियन काफी कम संख्या में दिख रहे हैं, मंदिर के प्रांगण में साज सज्जा कितना लाजवाब है, फूलों और ग्लास के माध्यम से क्या ये बनता है महाबोधि मंदिर को, एक इनको आराधना करने की एक प्रक्रिया है और सजाने की प्रक्रिया है। जैसा हम सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध के महत्वपूर्ण स्थल जो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं और भारतवर्ष के बाहर भी, नेपाल में भी, अशोक उसमें से कुछ अति महत्वपूर्ण स्थलों का विजिट किए थे। सम्राट अशोक जो एम्पायर जो थर्ड सेंचुरी बीसी के राजा थे मौर्य डायनेस्टी के, उसमें से
बोध गया हुआ आए थे अपने शासन काल के 10वें वर्ष में, और यहाँ आने के बाद उन्होंने एक स्तंभ को स्थापित किया। यही वह अशोक का स्तंभ है जिसे 20वीं अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी में भी स्थापित किए थे। और इसी तरह का स्तंभ हमको वैशाली में देखने को मिलता है, लौरिया में देखने को मिलता है, लौरिया राज और लौरिया नंदनगढ़ में देखने को मिलता है, और भारतवर्ष के और कई जगहों में। यह जगह महात्मा बुद्ध का अति महत्वपूर्ण जगह जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महाबोधि मंदिर के प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं, और सम्राट अशोक का यह स्तंभ यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। यह अशोक स्तंभ महाबोधि मंदिर के जस्ट बगल में स्थित है, आप देख सकते हैं। यह अशोक स्तंभ वही है, बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसा सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष और नेपाल आदि क्षेत्रों में स्थापित करवाए थे। यह स्तंभ उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार का सैंडस्टोन का निर्मित है, और वहाँ से क्वेरी करके चारों तरफ अशोक ने स्थापित करवाया था। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो हैं सिक्कों को उछाल के ऊपर रख रहे हैं। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि वाई आर दे डूइंग दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आई डोंट नो। आप कुछ बताएंगे बाबू, इधर सुनिए, आप कुछ बताएंगे। यह सिक्का इसके ऊपर, अशोक के स्तंभ के ऊपर आप डाल रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये अपना मनोकामना पूरा करने के लिए। देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, सिक्का हो सकती है मनोकामना पूरी हो जाए। आसान नहीं है तो आसान नहीं है मनोकामना प्राप्त करना। आपका तो एक ही बार में ऊपर रह गया, तो आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। तो आपने क्या मांगा है बताइए, तो बताइए कुछ मांगना चाहिए था। आपने क्या मांगा? जल्दी शादी हो जाए। बोलिए। अरे आपने कुछ नहीं मांगा, इतना महत्वपूर्ण काम आपने कर लिया। तो यही हम देख रहे हैं, अशोक स्तंभ है। दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यहाँ पे जबरदस्त विरासत जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। यह सिक्कों को उछाल कर इसमें स्क्रैच आने की संभावना है। यहाँ ऐसा हम इनको देखने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा कर रहे हैं, इसमें दाग आ रहा है और यह खराब होने की संभावना है। बार बार इस पर धब्बा लगेगा, स्क्रैच लगेगा, तो वो उससे, क्योंकि मेटल का बना हुआ है ना, उसमें दाग आएगा। सिक्का आपका बार बार एक ही जगह पे बार बार लगेगा तो दाग आएगा कि नहीं, भरने की संभावना है कि नहीं, और सबको कन्विंस कीजिए ऐसा नहीं करने के लिए। बस ऐसी कुछ भी नहीं है, मनोकामना पूर्ण होती है, भ्रांति है। तो यही आपने देखा, आप देख सकते हैं वहाँ उस छतरी के अंदर बुद्ध को लेके जाया जा रहा है, काफी संख्या में लोग आप देख रहे हैं। यह एक अनवरत प्रयास है जो लोग यहाँ करते रहते हैं। देखिए इसको किस तरह से लोग झुक झुक के, यह योग की माया है, यही योग है, यह एक तपस्या है। यह सुखद संयोग है कि आज हेरिटेज सोसाइटी की टीम का बोधगया का हेरिटेज टूर हुआ है। उसी समय बोधगया में एक तरह से पूरे बुद्धिस्ट का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, और आज के दिन में यहाँ पर दलाई लामा भी उपस्थित हैं। महाबोधि मंदिर में आए हुए हैं, पूरी टीम हेरिटेज सोसाइटी की आई हुई है, क्योंकि बहुत हेरिटेज स्कूल है।
आज 14 जनवरी 2018 है, देख पाते हैं महाबोधि मंदिर में दलाई लामा आए हुए हैं, जिसके कारण से कितना जनसैलाब उड़ा हुआ है। पूरे वर्ल्ड की बुद्धिस्ट के अलग अलग लोग यहाँ आए हुए हैं। जगह है महाबोधि ट्री है, इसी के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो वज्रासन है जिस पर बैठ के महात्मा बुद्ध ने जिसमें काम करता है। डेकोरेशन आप देख रहे हैं, यही रेलिंग है, इसके अंदर वज्रासन है जिस पर महात्मा बुद्ध बैठ के तपस्या करते थे। यह वज्रासन इन छिद्रों से देखा जा सकता है, बहुत माइन्यूट छिद्र है, आप इसको देख सकते हैं, उस वज्रासन को बहुत माइन्यूट छिद्र है और उसको देखा जा सकता है। वही उसके नीचे वहाँ जो ऊपर में बना हुआ है वहाँ वज्रासन, यह वज्रासन वाला प्लेस है और बोधि ट्री और महाबोधि टेम्पल और बहुत सारी मूर्तियाँ, अलग अलग मूर्तियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। और कितना सुंदर यहाँ सजाया हुआ है, आप इसके डेकोरेशंस को देख सकते हैं। आगे में आप यहाँ आएंगे तो पूरे डेकोरेशंस को देख सकते हैं, कितना सुंदर। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो यही चरण चिन्ह जो है चरणपाद का, और उसका साइन आप देख सकते हैं, कितना सुंदर अलग अलग डेकोरेशंस। और ऊपर में आप देख सकते हैं महाबोधि मंदिर, फिर अलग अलग बौद्ध धर्म के देव देवताओं की मूर्तियाँ। Sarvam 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 Sar